सुप्रभात मेरे प्यारे शिशु भाई बहन, आज की इस हिंदी कक्षा में सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सब छठी श्रेणी के हिंदी विषय के दूसरे पाठ गुरु दक्षिणा के बारे में पढ़ेंगे। पौराणिक युगों से हमारे भारतीय सभ्यता में गुरु की महत्व अत्यधिक रही है और हमेशा से हम सब अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होते आए हैं। तो आज की इस हमारी पाठ में हम सब गुरु के महत्व के बारे में अधिक जान पाएंगे। महर्षि व्यास एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमारे राष्ट्र जीवन के श्रेष्ठ गुणों को एकत्रित किया और उन गुणों के आधार पर आचार तथा विचार का समन्वय करके संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। ये व्यास जी को जगतगुरु कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, इसीलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। हमारे भारत राष्ट्र में गुरु की महत्व अत्यधिक है। गुरु साक्षात ईश्वर के स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। हमारे शास्त्रों में गुरु भक्ति का महत्व वर्णित है। हमारे शास्त्र से हम ये भी जान पाते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु किन्हें मानना चाहिए। शास्त्रकारों द्वारा वर्णित गुरु के लिए आवश्यक सद्गुणों को किसी एक ही व्यक्ति में पा सकना असंभव सा है। इस गुरु की पूजा करते हैं, उनके गुणों को भी अपनाना चाहिए। यदि हम उन गुणों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो कर्तव्यों की पूर्ति नहीं होगी। जो गुरु के साथ अधिक से अधिक एकात्म और एक रूप होता है वही उनकी पूजा कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। आज हम गुरु के रूप में मनुष्य की ही नहीं भगवा ध्वज को भी गुरु की मान्यता देते हैं। राष्ट्र का प्रत्येक रूप प्रकट करने वाला यज्ञ ज्वाला तथा प्रकाशमान सूर्य का प्रतीक यह ध्वज जीवन में अंधेरे को दूर कर प्रकाश देने वाला है। ठीक तथा आध्यात्मिक आदर्श का प्रतीक ये भगवा ध्वज हमारा गुरु है। व्यास पूर्णिमा के दिन हम इसी ध्वज की पूजा करते हैं। हम इससे सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा लेते हैं। हम तन मन धन से इस गुरु की गौरव के लिए उद्यमशील होने का संकल्प लेते हैं। अगर गंध अक्षत फूल चढ़ाकर पूजा करें ये पर्याप्त नहीं है। अगर हम अपना सर्वस्व समर्पण करने की भावना अगर हमारे अंदर है तभी हम हमारे गुरु की पूजा कर सकते हैं। पूजा करके धन रूप से दक्षिणा अर्पण करना समर्पण भावना का दृश्यमान स्वरूप है, इसीलिए गुरु को दक्षिणा के आकार में समर्पण करना चाहिए। श्रद्धा से ओतप्रोत होकर अंतःकरण से ध्वज को प्रणाम कर केवल एक फूल अर्पण करें तो भी काफी है। इस प्रकार से भाव से दिया हुआ एक रुपया भी धनी व्यक्तियों के लिए हुए दिए हुए लाखों रुपए से भी अधिक मूल्यवान रखता है। गुरु दक्षिणा का अभ्यास बचपन से ही होना चाहिए। गुरु दक्षिणा के दिन अपने माता पिता से कुछ रुपए मांग कर दे देना वास्तविक गुरु दक्षिणा नहीं है। प्रतिदिन या साप्ताहिक अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार साल भर के एकत्रित इन पैसों को गुरु दक्षिणा में देना चाहिए। संचय प्रवृत्ति का भी विकास होता है। एक बच्चे के अंदर किस तरह से वो अपने धन को संचय कर पाएगा वो यह सीख पाता है। गुरु दक्षिणा अर्पण करने से मन में त्याग की भावना उत्पन्न होती है। त्याग की भावना से सर्वस्व समर्पण करना चाहिए, ऐसी उपेक्षा है। गुरु पूजन के दिन ऐसा संकल्प लेना चाहिए, यह दक्षिणा राष्ट्र निर्माण के कार्य में आती है। हमें बहुत ही कम समय में सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है। इसीलिए बच्चों हमारे अंदर सबसे पहले समर्पण की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर समर्पण की भावना नहीं है तो हमारा दिया हुआ दक्षिणा तुच्छ है। इसीलिए गुरु के सम्मान के लिए तथा
उन्हें दक्षिणा देने के लिए हमें प्रथम से ही कुछ कुछ पैसे संग्रह करके संचित करके रखना चाहिए और हमारे अंदर एक सच्चे राष्ट्रभक्त की भावना को हमेशा जीवित रखना चाहिए। आशा है सभी इस गुरु दक्षिणा पाठ को अच्छे से समझ पाए होंगे और इसके महत्व को याद रखोगे। धन्यवाद।